Welcome to online classes. I am going to teach about the green plants photosynthesis. The green plants photosynthesis, ये आप लोगों का heading है. Green plants, हरा पौधा और photosynthesis यानी कि प्रकाश संश्लेषण. All living things need a constant supply of food to live. रहने के लिए भोजन की आवश्यकता जरूर होती है लिविंग थिंग्स को. एनिमल्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स बट ऑल ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव टू वेट फॉर फूड ऑन पीपल और एनिमल्स टू प्रोवाइड फॉर देम. मोस्ट प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन प्लांट. ज़्यादातर प्लांट्स को क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि वो प्लांट्स का भोजन अपना तैयार करें. दे यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस फूड. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस के अनुसार पौधे अपना भोजन बनाते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर यानी कि लाइट को उसमें डालना. व्हाट इज नीडेड फॉर फोटो सिंथेसिस, क्यों जरूरी है, क्या क्या जरूरी है. टू मेक फूड प्लांट्स नीड नॉट जस्ट वन बट फोर थिंग्स. लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. ये आपको भोजन बनाने के लिए पौधे को अपना फूड प्रिपेयर के लिए जरूरी होता है. लेट्स टेक ए लुक एट हाउ दीज आर कलेक्टेड बाय प्लांट. लाइट पहले हम देखेंगे. लाइट लाइट शाइनिंग डाउन फ्रॉम द सन इज ऑब्जर्व बाय द ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट मेनली इन लीव्स. वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट passes through vessel in the stem in its way to leaves. Water absorb करता है root और pass through vessel of the stem को वो transfer करता है. Plants get carbon dioxide from air. Plants क्या करता है पाता है, carbon dioxide air से प्राप्त कर लेता है और they breathe carbon dioxide through a small pores in the leaves called stomata. ये प्रीवियस में भी तुम लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि ये स्मॉल पोर्स होता है, वो टीनी पोर्स होते हैं, वो स्टोमाटा होते हैं जिसे पौधे श्वसन क्रिया करते हैं. व्हेन प्लांट्स ब्रेथ कार्बन डाइऑक्साइड इन दे ब्रेथ आउट ऑक्सीजन. क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, गेन करते हैं. Green parts of the plant, mainly leaves, contain a special substance called chlorophyll. ए green plant जो होता है, green pigment जो होते हैं उनके हरे रंग, वो contain करते special substance called chlorophyll. Chlorophyll के कारण ही पौधे green, पौधे की पत्तियाँ green होती हैं. Chlorophyll is green, which is why, क्यों? So many plants appear green. This is the substance that trap the sun's light to start the process of photosynthesis. वो sunlight को absorb करता है और उसी के दौरान ये photosynthesis के दौरान ही ये भोजन अपना तैयार करता है. यहाँ देखिए photosynthesis. Look at here. Photosynthesis is the process by which green plants convert carbon dioxide and water into glucose and starch with the help of light energy. Oxygen is released in the process. इसी process के दौरान पौधे oxygen release करते हैं जो कि living beings, human beings, animals ये observe करते हैं. यहाँ देखिए sunlight, leaves यानी कि chlorophyll इसमें pigment होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. यहाँ देखिए यू विल लर्न अबाउट
आपको क्या याद करना है, क्या क्या याद करना है, व्हाट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, पार्ट्स ऑफ लीफ, हाउ डू प्लांट्स यूज देयर ओन फूड, फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, बैलेंस इन नेचर, संतुलन कैसे बना रहेगा प्रकृति का. लुक एट हियर डायग्राम. फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट है, ये ट्रैप कर रहा है प्लांट्स पे, और यहाँ से रिलीज लिप जो है रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहा है. यहाँ ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल. यहाँ वाटर ऑब्जर्व कर रहा है रूट. इसी के फोटोसिंथेसिस के दौरान ही सारे प्लांट्स अपना भोजन तैयार कर लेते हैं. पार्ट्स ऑफ लीफ. अब देखिए पार्ट्स ऑफ लीफ, द पार्ट्स ऑफ लीफ विच इज अटैच टू द स्टीम इज कॉल्ड पेट्यूल. पार्ट्स ऑफ लीफ जो होता है अटैच करता है स्टीम को, उसे क्या कहते हैं, पेट्यूल. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना. जो चौड़े पार्ट होते हैं उसे लीफ ब्लेड और लैमिना कहते हैं. ए थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड द मिड रिब और मिड वेन. इट हैज ए नंबर ऑफ साइड वेन. द मिड रिब इज फॉर्मेड बाई डबल पाइपलाइंस ऑफ सेल. जो मोटे पाइपलाइन होते हैं वो मिड रिब होते हैं, मेन वेन जो होता है. वन पाइपलाइन कैरी वाटर ऑफ मिनरल टू ऑल द सेल ऑफ द लीफ एंड द अदर पाइपलाइन कैरीज द फूड प्रिपेयर इन ग्रीन सेल टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. ये क्या करता है, कैरी करके अदर प्लांट्स को पार्ट्स को भेजता है. ऑन द अदर साइड ऑफ लीफ आर प्रेजेंट इन टीनी पोज. एक छोटे पोज होते हैं, वो प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाई कि पोज जो होते हैं वो स्टोमाटा होते हैं, सिंगुलर स्वाजों की पौधे श्वसन क्रिया करते हैं. इच पोज इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल. गार्ड सेल कैन चेंज द शेप टू ओपन द क्लोज ओपन एंड क्लोज द स्टोमाटा. जिसे पौधे श्वसन क्रिया करते हैं वो रिलीज करना और ऑब्जर्व करना ये काम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट कार्बन ऑक्सीजन एंड वाटर थ्रो द स्टोमाटा. क्या करते हैं, गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रो द स्टोमाटा. दस इसी प्रकार लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. इसी के कारण लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट और किचन प्लांट भी कहते हैं. हाउ डू प्लांट्स यूज देयर ओन फूड. कैसे भोजन बनाते हैं प्लांट्स. द फूड मेड बाई ग्रीन प्लांट्स इज द फॉर्म ऑफ सिंपल सुगर. द प्लांट्स यूज द फूड टू गेट एनर्जी. सम ऑफ द यूज फॉर द इट्स ओन ग्रोथ. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव. स्टीम एंड फूड वी यूजली ईट दोज पार्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल और फ्रूट वी हैव फूड स्टोर्ड इन देम. एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च होता है इन लीव, स्टीम रूट और यूजली ईट दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट. यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये साइड का जो ये कटिंग है वो मार्जिन है और बीच का पाइप टाइप का जो है वेन वो मेन वेन है और जो थीन होते हैं पतले पतले जो है वो साइड वेन है. और यहाँ डेंटल जो पेटियोल और लीव ब्लेड ब्रॉड पार्ट जो होता है वो लीव ब्लेड होता है और यहाँ टिप और एपेक्स है. यहाँ देखिए गार्ड सेल स्टोमाटा, टिनी पोर्स जो होता है स्टोमाटा, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज है. यहाँ देखिए स्टोमाटा, कैरोट पोटैटो स्पाइंज शुगर कैन पीज मैंगो. एक्स्ट्रा फूड इन स्टोर द पार्ट्स ऑफ प्लांट. ये एक्स्ट्रा फूड ऑब्टेन करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट से. यहाँ देखिए एक्टिविटी बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस टू शो दैट ग्रीन लीव्स कॉन्टेन स्टार्च. यहाँ शो कर रहे हैं कि ग्रीन लीव्स कॉन्टेन स्टार्च कैसे करता है. टेक ए ग्रीन लीव डीप इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. टेक आउट ए लीफ
इतना तो आप समझ चुके होंगे और समझ रहे होंगे कि यहाँ देखिए कि लीव्स कंटेंट कैसे करते स्टार्च, टेक ए ग्रीन लीव डीप इन द बॉइलिंग वाटर फॉर द फ्यू मिनट, द टेक आउट लीव नाउ बॉइल इन इट अल्कोहल, अल्कोहल या स्प्रिट में इसे उबालेंगे, द अल्कोहल विल डिजॉल्व क्लोरोफिल एंड लीव विथ लॉस ए ग्रीन कलर, यहाँ ग्रीन कलर समाप्त हो जाता है, वॉश द लीफ वाटर रिमूव अल्कोहल, फिर उसे हम वॉश करते हैं अल्कोहल को और स्प्रेड द लीव इन डिश, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन, उसके बाद एक ड्रॉप आयोडीन, थोड़े से ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और ड्रॉपर आयोडीन ब्राउन इन कलर, द लीफ इज टर्न ब्लू ब्लैक, तो फिर क्या हो जाता है, यह लीफ यहाँ देखिए यहाँ मामलर जला के इसके पत्ती को उबाल रहे हैं और यहाँ अल्कोहल है, फिर वाटर से हम फिर इसको धोते हैं, फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तब हम पत्ती का कलर देखते हैं कि ये ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ एक्टिविटी टू द सो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट कितना जरूरी है, टेक ए पॉटेड प्लांट्स विथ ब्रॉड लीव्स कीप इन द डार्क फॉर 1 or 2 days, द लीव्स विल बिकम स्टार्च फ्री, टेक टू सम साइज स्ट्रिप ऑफ ए स्टिफ ब्लैक पेपर एंड कवर ए पोर्शन ऑफ ए लीफ फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्टेम, नाउ कीप द प्लांट्स इन सनलाइट, आफ्टर ए फ्यू आवर प्लक द लीव्स, थोड़ा तोड़कर पत्तियाँ रखेंगे, रिमूव द ब्लैक स्ट्राइप, टेस्ट द सेम ऑफ द स्टार्च, परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट इज डिस्क्राइब इन एक्टिविटी वन, जैसे एक्टिविटी वन में मैं प्रीवियस एक्टिविटी में भी आपको बताई हूँ कैसे करना है, ओनली द अनकवर्ड पॉटेड ऑफ द लीव विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो खुला है भाग उसमें पाएंगे कि वहाँ स्टार्च है। एक्टिविटी थ्री द सो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल वो क्यों जरूरी है, टेक ए लीफ ऑफ सेलुलस प्लांट्स विच पार्टली ग्रीन एंड पार्टली नॉन ग्रीन, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पार्टली ग्रीन होता है कुछ नहीं होता, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली द ग्रीन पोर्शन, ग्रीन पोर्शन जो होगा उसी में क्लोरोफिल, ड्रॉ एंड आउटलाइन द लीव इन द पीसेज ऑफ पेपर इंडिकेट द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज ऑफ द पेपर, परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट इज डिस्क्राइब इन एक्टिविटी वन, कंपेयर द पार्ट्स स्टैंड ब्लू ब्लैक एंड ड्राइंग, इसको हम ड्राइंग बना के भी चेक करते, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव विद सो स्टार्च फॉर्मेशन, ग्रीन प्लांट जो होगा यहाँ देखिए वेनिगेटेड लीव जो वेन है नॉन, उसके बाद यहाँ साइड में ये कॉटन प्लांट्स वगैरह का भी होता है, आउटलाइन ऑफ द लीव ऑन पेपर, इसे हम पेपर पर बनाए और लीव बॉइल्ड इन अल्कोहल, ग्रीन लीव को अल्कोहल में बॉइल करते हैं, लीव वॉश्ड इन वाटर, फिर पानी से इसको धोते हैं, लीव टेस्टेड फॉर स्टार्च, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव टर्न ब्लू, यहाँ ब्लू और ब्लैक होता है, एक्टिविटी सो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इसी के लिए जरूरी होता है। यहाँ देखिए लुक एट हियर एक्टिविटी फोर, टू सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, टेक ए पॉटेड प्लांट विथ लॉन्ग लीव्स, कीप द प्लांट इन द डार्क टू डिस्चार्ज इज विदाउट प्लकिंग इनसेट हाफ पोर्शन ऑफ वन लीफ इज वाइट, मॉथेड बॉटल कॉन्टेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ए केमिकल विथ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर 1 or 2 days, नाउ टेस्ट इंसर्टेड लीव फॉर स्टार्च, you will see that the portion of leaf which was inside the bottle does not form a starch but the remaining portion which was outside the bottle, so the presence of starch, this activity so that carbon dioxide necessary for photosynthesis,
मैं समझ रही हूँ इस बात को आप लोग समझते होंगे। अब देखिए यहाँ फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स, ये कैसे प्रवाह करता है एनर्जी लिविंग थिंग्स। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जितने भी एनिमल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे, ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। व्हाइल द हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, दे कार्निवोरस एनिमल डिपेंड ऑन एनिमल्स। हर्बीवोरस जो होते हैं, शाकाहारी जो ये होते हैं एनिमल्स, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। और द कार्निवोरस एनिमल डिपेंड ऑन एनिमल्स, और जो मांसाहारी एनिमल होते हैं कार्निवोरस, वो डिपेंड होते हैं ईट प्लांट्स पे, ये डिपेंड ऑन एनिमल्स पे दैट ईट प्लांट। दस व्हेन समबॉडी ईट मीट, ही इज इनडायरेक्टली ईटिंग फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। You have already learned that green plants get the energy to prepare food from the sun. यहाँ बात करेंगे green plants get energy prepared food from the sun. Energy प्राप्त करता है sun के द्वारा ही. So the sun is the main source of energy for all living things. यहाँ पे यहाँ पे पता चलता है कि sun ही energy main source है एनर्जी का ऑल लिविंग थिंग्स के लिए। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। कैस प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंडेंट ऑन ईच, वो सर्वाइव करने के लिए प्लांट और एनिमल कैसे डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। एज ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मेन मुख्य प्रोड्यूसर होते हैं ऑफ फूड। एनिमल डिपेंड ऑन देम फॉर देयर फूड, एनिमल प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। कार्निवोरस एनिमल ईट प्लांट ईटिंग एनिमल, कार्निवोरस होते हैं कार्निवोरस एनिमल ईट प्लांट ईटिंग एनिमल, यानी कि वो खाए तो वहाँ, सो दे आल्सो डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, विच इज नीडेड बाय एनिमल टू ब्रेथ, और एनिमल्स जो होते हैं ऑक्सीजन से ब्रेथ करते हैं। एनिमल ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, एनिमल जब कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं तो प्लांट्स उसे ग्रहण करते हैं, प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी से ये पता चलता है कि प्लांट्स से एनिमल और प्लांट्स इंटरडिपेंड हैं, यानी कि एक दूसरे पे वो निर्भर हैं। इससे आपको क्लियर हो गया कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे निर्भर हैं। यहाँ देखिए बैलेंस इन नेचर, प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहेगा। ए बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज इसेंशियल इन नेचर, प्लांट्स भी बहुत ज़रूरी है, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें ज़रूरी है नेचर को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, और एनिमल भी बहुत ज़रूरी है। एनिमल इज इसेंशियल इन नेचर, एनिमल भी ज़रूरी है। फूड चेन इन नेचर हेल्प टू मेंटेन दिस बैलेंस, फूड चेन है जो कि इसे मेंटेन करता है और बैलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, इफ देयर इज सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर, यानी कि हर्बीवोरस, देयर विल बी लेस ऑफ ग्रास फ्रॉम देम टू ईट, सो मेनी डियर विल स्टार्व एंड डाई, दिस विल रिजल्ट इन लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के कारण ये दस बाई
सडन इंक्रीज द डिक्रीज आइदर इन नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल द बैलेंस ऑफ नेचर विल बी डिस्टर्ब। तो यहाँ क्या होता है कि वो डिस्टर्ब होता है बैलेंस करना। इट इज रॉन्ग डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन वनस्पति को विच प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल। लीव एंड लेट लीव दिस शुड बी आवर मोटो। यही हमारा मोटो है। टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसी प्रकार हमें बैलेंस करना है, नेचर को प्रकृति को संतुलित बना के रखना है, तो ये प्लांट्स और एनिमल दोनों को बचाए रख सकता है। यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। फोटोसिंथेसिस क्या डिफाइन देख लीजिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मटेरियल, यहाँ क्लोरोफिल का देखिए द ग्रीन कलरिंग मटेरियल प्रेजेंट इन लीव, जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। द स्टोमाटा देख लीजिए द मिनट पोर्स, यानी कि टीनी पोर्स होते हैं, होल होते हैं, प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल जो होते हैं, उसी से स्टोमाटा से पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। स्टार्च ए टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे प्रवाह करता है, कौन सी एनर्जी प्रवाह करना, फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर थ्रू द फूड चेन। फूड चेन के द्वारा इंटरडिपेंडेंस, यानी कि कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंस ऑफ टू और मोर थिंग ऑन ईच अदर, दो से अधिक व्यक्ति कैसे उस पर निर्भर है। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति का संतुलन कैसे बनाए, ए बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन नेचर। फूड चेन ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इच डिपेंडेंट ऑन नेक्स्ट एज द सोर्स ऑफ फूड। आज के लिए इतना है। यहाँ देखिए लायन कार्निवोरस हो गया, डियर हर्बीवोरस और ग्रास प्रोड्यूसर, यानी कि फूड चेन। आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम गोइंग टू टीच अबाउट एडप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का अनुकूलन, प्लांट्स में जो अनुकूलन होता है उसे मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। लेट्स सी, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। प्लांट्स जो है चारों तरफ हमारे धरती पर ते हैं। दे लिव इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट, इनका प्राकृतिक वास, तरह तरह के पौधे के तरह तरह का प्राकृतिक वास होता है। हैबिटेट इन प्राकृतिक वास, और एडप्टेशन मीन्स समझ लोगे अनुकूलन, और हैबिटेट मीन्स प्राकृतिक वास। दे आर वेल सुटेड टू देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण। प्लांट्स ग्रो इन द प्लेन्स, ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, इन डिजर्ट, इन कोस्टल एरिया एंड मर्सी एरिया, इन हॉट एंड डैम एरिया, फ्लोटिंग इन वाटर, ऑन ओशियन बेड्स एंड इन रिवर वैली। इन फैक्ट प्लांट्स डेवलप सर्टेन फीचर ऑफ इनेबल फ्रॉम द सर्वाइव सक्सेसफुली इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, प्लांट्स बढ़ते हैं, सर्टेन फीचर इनका ये होता है इनेबल टू देम सर्वाइव सक्सेसफुली इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट इनको मिल जाएगा तो प्लांट्स अच्छे तरह से सर्वाइव कर जाते हैं। सच फीचर आर कॉल्ड एडप्टिव फीचर, इसी फीचर को हम अनुकूलित फीचर कहते हैं। लेट अस नाउ स्टडी हाउ प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। यहाँ हम देखेंगे कि किसके अनुकूल ये अपना प्राकृतिक वास ये करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, अपने प्राकृतिक वास के अनुसार ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड अंडर टू मेन ग्रुप्स, प्लांट्स जो होता है टू मेन ग्रुप्स होते हैं। प्लांट्स के टू मेन ग्रुप होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि लैंड पे होते हैं,
ये आप लोग समझिए कि टेरेस्ट्रियल प्लांट लैंड पे होते हैं और एक्वेटिक प्लांट यानी कि ये वाटर में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स होते हैं जिन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। यहाँ देखिए, लुक एट हियर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर मेनली फाउंड इन द प्लेन्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? प्लेन्स, इन हिली एरिया, इन डिजर्ट, इन मर्सी एरिया एंड इन हॉट एंड डैम्प्ड एरिया। ये गर्म और डैम्प्ड एरिया में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स इन प्लेन, पहले हम देखेंगे प्लांट्स इन प्लेन। इन प्लेन्स प्लांट आर वेरी ट्रीज हैव लॉट ऑफ ब्रांचेज, इसके कई शाखाएँ होते हैं। यहाँ ट्री होते हैं प्लेन में जिनकी कई शाखाएँ होते हैं। दे कैन बियर द हीट ऑफ द समर, ये गर्मी में ये बियर करते हैं हीट ऑफ समर। दे शेड मोस्ट देयर लीव्स, ये हम लोग को छाया भी प्रदान करते हैं। देयर लीव्स इन ऑटम, द शेड मोस्ट देयर लीव्स इन ऑटम। मैंगो, बनियान, शीशम, एकेलिप्टस, नीम, पीपल एंड साल आर सम कॉमन ट्रीज प्लेन। इतने सारे इतने सारे ट्री जो हैं तुम्हारे प्लेन में आते हैं, जो कि मैंगो है, बनियान यानी ट्री, बर्गर, शीशम, एकेलिप्टस, नीम, पीपल एंड साल आर सम कॉमन ट्रीज इज प्लेन। प्लांट्स दैट लिव इन प्लेन्स आर कॉल्ड मेसोफाइट्स, जो प्लांट्स लिव करते हैं दैट लिव इन प्लेन पे, जो लिव करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेसोफाइट्स। दे हैव प्लेंटी ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स, इनमें बहुत ज़्यादा शाखाएँ होती हैं और पत्ते। प्लांट्स ऑन हिल एंड माउंटेन, लेट्स नाउ प्लांट्स ऑन हिल एंड माउंटेन्स। इन हिल एरिया द क्लाइमेट इज कोल्ड टू वेरी कोल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरत के से ज़्यादा ये ठंडे होते हैं। यहाँ का जलवायु क्लाइमेट इज कोल्ड और वेरी कोल्ड। देयर आर फ्रिक्वेंट रेन एंड ऑल्सो स्नोफॉल इन सम एरियाज। ट्री ग्रोइंग इन सच एरिया आर टॉल एंड स्ट्रेट, ये लंबे और सीधे होते हैं। एरियाज आर टॉल एंड स्ट्रेट, यहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं? टॉल एंड स्ट्रेट। द लीव्स आर नीडल लाइक, ये सुई के आकार का इनका लीव्स होता है। इंस्टेटेड फ्लावर दे बियर कोन्स, फ्लावर जो होते हैं कोन जैसे। दे आर आल्सो कॉनिफर्स ट्री, इसे क्या कहते हैं? कॉनिफर्स ट्री कहते हैं। द कॉनिकल शेप ऑफ द ट्रीज इज एबल टू टॉलरेट स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड स्नोफॉल, इसको क्या क्या टॉलरेट करना पड़ता है, सहना पड़ता है इसे? स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्नोफॉल, बस बर्फबारी और तेज हवा भी सहना पड़ता है। द ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। दे ईयर आर कॉल्ड एवर ग्रीन प्लांट्स, इसलिए इसे हम एवर ग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं, जो कि हमेशा हरे भरे होते हैं। या देख लीजिए, द ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे आर कॉल्ड एवर ग्रीन ट्री। इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अपना याद भी कर सकते हैं कि एवर ग्रीन ट्री किसे कहते हैं। द ट्री रिमाइन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे आर कॉल्ड एवर ग्रीन ट्री। सम कॉमन ट्री ऑन हिल्स एंड माउंटेन आर फी, पाइन, केदार, ओक और देवदार एंड एस्प्रस। एस्प्रस ट्री आर फॉर्म इन वेरी कोल्ड प्लेस, ये ट्री जो होता है सिप्रस ट्री आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेस, बहुत ठंडे जगह में यहाँ होते हैं। यहाँ देखिए, प्लेन वाले ट्री हैं बनियान ट्री, नीम ट्री, इसको मोसोफाइटस कहते हैं। फी, पाइन,
केदार ट्री, ओक ट्री और स्पेशल ट्री जिसे हीली प्लांट्स कहते हैं। नाउ प्लांट्स इन डिजर्ट, यहाँ देखिए कि मरुस्थल में कैसे कैसे प्लांट पाए जाते हैं। ए डिजर्ट हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, ए वेरी हॉट इन समर, यहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म और एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और ठंडे के दिन में बहुत ठंडा। रेनफॉल इज वेरी लिटिल, और यहाँ बारिश की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ बारिश होती है। हेंस वाटर इज स्कर्स इन डिजर्ट, यहाँ पानी का मात्रा कम रहता है। सम टाइम देयर आर हॉट वाइन, यहाँ उस समय के लिए बहुत गर्म तेज और हवा गर्म हवा चलती है, जो एंड डस्ट स्टॉर्म और तेज आंधी की तरह चलती है, और जिसमें कि धूल कण उड़ते रहते हैं। आप भी देखिए यहाँ प्लांट्स दैट लिव इन डिजर्ट एरिया आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। इस प्लांट्स को क्या कहते हैं, इसे आप ध्यान देंगे, प्लांट्स दैट लिव इन डिजर्ट एरिया आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। द प्रिकली पियर एग्जाम्पल है इसका, द प्रिकली पियर एंड कैक्टस आर कॉमन डिजर्ट प्लांट्स, ये प्लांट्स मोस्टली वहाँ पाए जाते हैं, प्रिकली पियर और कैक्टस। टू सेव वाटर डिजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोविंग फीचर, इनकी इनके देखिए फॉलोविंग फीचर क्या है, इनकी विशेषता क्या है, दे हैव लॉन्ग रूट, इसके बहुत ही लंबे रूट होते हैं, दे दैट ग्रो डीप, जो कि बहुत अंदर तक जाते हैं जहाँ कि उनको पानी मिलता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द लॉन्ग रूट दैट ग्रो डीप इन टू द सॉइल टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, एकदम जहाँ इनका सतह होता है पानी का वहाँ तक ये प्लांट के रूट चले जाते हैं, बहुत लंबे होते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स, द लीव्स आर मोडिफाइड इन टू स्पाइन एंड थॉड टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, यहाँ तो ये कटीले होते हैं जो कि अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। द स्टीम बिकम थिक एंड फ्लेसी, इनके स्टीम जो होते हैं तने जो होते हैं बहुत मोटे होते, घने होते, मोटे होते हैं, और ये मांसल टाइप के होते, मतलब कि बहुत गद्देदार टाइप के होते हैं, जो इसमें कि वो वाटर का स्टोर करता है, फूड स्टोर, दे स्टोर फूड एंड वाटर, जो कि वाटर और फूड को अपना स्टोर करता है। द स्टीम कॉन्टेन क्लोरोफिल, स्टीम ही यहाँ और सब मोस्टली प्लांट्स जो है वहाँ लीफ जो है उसमें क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन डिजर्ट प्लांट जो मरुस्थल का प्लांट होता है उसमें स्टीम कॉन्टेन करता है क्लोरोफिल को। इसे आप अच्छी तरह समझेंगे कि यहाँ स्टीम कॉन्टेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड, और स्टीम ही अपना भोजन तैयार करता है, और अदर्स प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स इन मर्सी एरिया, मर्सी एरिया फाउंड इन ए लॉन्ग सी कोस्टल, ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, कोस्ट में पाए, सी कोस्ट के पास पाए जाते हैं मर्सी एरिया, दैट आर फ्लूडेड विथ साल्टी सी वाटर, ये नमकीन पानी जो कि समुद्र का पानी जो होता है नमकीन होता है वही यहाँ पानी हमेशा रहता है, और चिपचिपी टाइप की मिट्टी होती है यहाँ की। इन मर्सी एरिया द सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले, सॉइल जो होता है चिपचिपा टाइप का होता है, क्ले होता है बलवाई टाइप का होता है। द ट्री दैट ग्रो इन मर्सी एरिया और कॉल्ड मैंग्रोव ट्री, जो ट्री मर्सी एरिया में पाया जाता है, यहाँ इस को देखेंगे, लुक एट दिस पिक्चर, मैंग्रोव ट्रीज, इसका जो होता है ना रूट जो होता है इसके ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर होता है, उसी से वो ब्रीथिंग करते हैं। द ट्री ग्रो इन मर्सी एरिया और कॉल्ड मैंग्रोव ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन द रूट डू नॉट गेट एयर फॉर ब्रीथिंग, ये हवा नहीं मिलता है, सो रूट कम्स आउट, मिट्टी के अंदर इतना चिपचिपा रहता है कि मिट्टी के अंदर इनका हवा नहीं जा सकता है, इसलिए इनके सारे की पौधे श्वसन क्रिया करें तो सो रूट कम आउट द सॉइल, इनके सारे रूट देखिए ऊपर हैं, ये सारे रूट जो हैं ये ऊपर रहते हैं ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि इन्हें हवा की ज़रूरत होती है और हवा अंदर मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है। सच रूट आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, इस रूट को हम ब्रीथिंग रूट भी कहते हैं। दे हैव होल्स इन देम टू एब्जॉर्ब एयर,
इसमें होल होते हैं जिसे ऑब्जर्व करता है एयर को, हवा को ये ऑब्जर्व करता है। लुक एट हियर, प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरिया। अब देखिए प्लांट्स जो है वो हॉट एंड डैम्प एरिया, कोकोनट पाल्स, नारियल का पेड़ और खजूर का पेड़ जो होता है कोकोनट पाल्स, वो विल इन द कोस्टल एरिया बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन साल्टी वाटर। ये कहाँ साल्ट सर्वाइव करते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं और साल्टी वाटर में, एंड प्रेफर एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल। यहाँ हेवी रेनफॉल, इन सच एरिया ट्री हैव लॉट ऑफ लीव्स, इसमें लीव भरे हुए होते हैं, दे डू नॉट सेड देयर, लीव जो होते हैं बहुत ऊपर की ओर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जिसमें कि ये छाया नहीं देते, डू नॉट देयर लीव्स इन विंटर, डू नॉट सेड देयर लीव्स इन विंटर, ये ठंडे के दिन में छाया नहीं देते। यहाँ कोकोनट ट्री देखिए। सम अदर प्लांट्स इन सच एरिया आर पेपर, रबर, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन। यहाँ इतने प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स सच एज एरिया, इस एरिया में हॉट एंड डैम्प एरिया में ये प्लांट्स होते हैं पेपर, रबर, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन। रेन फॉरेस्ट, अब देखिए यहाँ इसमें आया मर्सी एरिया, ये हॉट एरिया में रेन फॉरेस्ट होता है, आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट, ये गीला और गर्म होता है। फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ टाल एंड स्मॉल ट्री। यहाँ कैसे प्लांट्स होते हैं, लंबे और छोटे भी होते हैं। क्लाइंबर्स, फर्न एंड फंगी, क्लाइंबर्स जो कि लतर नुमा होते हैं और फर्न्स एंड फंगी भी होते हैं। ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल आर ऑल्सो फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, वाइड वेराइटी, कई तरह के जानवर जो कि जंगली जानवर टाइप के होते हैं इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लुक एट हियर, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइटस। एक्वेटिक प्लांट को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटस। दे आर ऑफ थ्री टाइप, ये कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइटस, दे आर ऑफ थ्री टाइप, ये भी थ्री टाइप में इनको बांटा गया है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जो कि ये फ्लोटिंग प्लांट भी कहते हैं, ये ऊपर की ओर फ्लोट करता है। रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट एंड रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एंड रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट्स, इनके रूट ऊपर ही होते हैं। रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग मतलब कि रूट इनका अंदर होता है और फ्लोट करते हैं ऊपर पत्ते इनके, एंड रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट, इनके पत्ते और सारे पौधे अंदर होते हैं पानी के अंदर। यहाँ देखिए फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, सम वाटर प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस, ये एकदम फ्री होकर फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस, उनके पानी के सतह पे ऊपर अच्छे से ये तैरते रहते हैं। दे आर नॉट अटैच टू द बॉटम सॉइल, इन ये सॉइल में इनका बॉटम नहीं अटैच रहता है, ये इनका रूट अंदर नहीं अटैच होता, ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट और विथ स्पॉन्जी एंड एयर फिल्ड पार्ट और आर ए स्मॉल इन साइज, इनके दे आर आइदर लाइट विथ ए स्पॉन्जी, ये कैसे होते हैं फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर, ये कैसे होते हैं स्पॉन्जी होते हैं और एयर फिल्ड पार्ट, इनमें हवा भरे हुए होते हैं, स्मॉल इन साइज छोटे साइज के होते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल आर वाटर हाइसिंथ, डॉकवीड जिसे लेमना भी कहते हैं, उल्फिया एंड पिस्टिया। यहाँ देख लीजिए फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल, कैसे कैसे प्लांट होते हैं, लुक एट हियर,
वाटर हाइसिंथ, देखिए कैसा ऐसा फ्लावर है, लेमना उल्फिया अपिस्टिया, ये तो ये आपके फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए। आप देखिए रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग, यानी कि इनके जड़ जो होते हैं अंदर बटन की तरह टके होते हैं। इन सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लीली, ट्रेपा, देखिए वाटर चेस्टनट भी इसको हम कहते हैं, द रूट आर फिक्स इन द मड। यहाँ मड मीन्स कीचड़ होता है, ये कीचड़ में, मिट्टी में, कीचड़ में इनके जड़ जो हैं फिक्स होते हैं। एंड द लीव्स विथ देयर लॉन्ग पेटियोल्स रिमाइन फ्लोटिंग, और इनके पत्ते जो होते हैं ऊपर ब्रॉड लीव्स होते हैं जो कि ऊपर तैरते रहते हैं। इन सच प्लांट्स लीव आर ब्रॉड एंड पेटियोल्स आर हॉलो एंड लाइट टू कीप द लीव्स एंड फ्लावर एफ्लोट। क्या होता है कि इनके पत्ते हल्के खोखले होते हैं और होलो मतलब खोखले होते हैं, लाइट यानी कि ये हल्के होते हैं, आप बड़े होते हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। फ्लावर भी इनका फ्लोट करता है। द ब्रॉड लीव्स प्रोवाइड ए नेस्टिंग प्लेस फॉर सम स्मॉल बर्ड, इसमें छोटे छोटे बर्ड जो हैं अपना घोंसला भी बना लेते हैं। यहाँ देखिए रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट्स, इनके रूट कहाँ होते हैं और ये एकदम पानी के अंदर ये प्लांट्स होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, पॉन्डवीड एंड टेक ग्रास रिमेन अंडर वाटर एंड रूटेड इन द सॉइल। ये क्या होता है, रूट इनका सॉइल के अंदर होता है। दीज प्लांट्स हैव नैरो लीव्स, इनके पतले पतले लीव्स होते हैं। एंड हैव नो स्टोमाटा, इनमें स्टोमाटा श्वसन क्रिया करने के लिए स्टोमाटा नहीं होता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये क्या चीज़ से श्वसन क्रिया करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करते रहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ग्रोन इन एक्वेरियम। अंडर वाटर प्लांट क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे आर ग्रो इन एक्वेरियम। इसको एक्वेरियम में भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ रूटेड द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स लोटस, वाटर लिली, ट्रेपा, वाटर चेस्टनट, और यहाँ देखिए रूटेड एंड अंडर वाटर प्लांट्स हाइड्रिला, पॉन्डवीड, टेप ग्रास, ये सब अंडर वाटर प्लांट्स हो गए। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मेनी वे, ये कैसे कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसे भी हम देखेंगे। ऑल ऑफ द प्रोबली इट ग्रास एवरी डे, एक्चुअली वेन द थिंक ऑफ ग्रास वी यूजली थिंक ऑफ द ग्रास इन लॉन एंड फील्ड, ये कहाँ कहाँ होते हैं, लॉन और फील्ड में होते हैं। प्रोबली इट ग्रास वो तो ग्रास खाता है, बट द यहाँ जितने भी कैटल होते हैं वो ग्रास को खाते हैं, बट द सीरियस हम भी खाते हैं, कुछ ग्रास ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जिसे हम भी खाते हैं, मनुष्य ह्यूमन बींग भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। बट द सीरियल्स यानी कि अनाज दैट वी इट सच एज वी राइस, मेज, बार्ली, ज्वार, बाजरा, ऑल बिलोंग द ग्रास फैमिली, ये सारे ग्रास फैमिली के आते हैं जिसे कि ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। विदाउट सीरियल ग्रेन्स वी कैन नॉट हैव ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल, केक और पॉपकॉर्न, इसे ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ये ग्रास फैमिली प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे सीरियल्स ग्रास फैमिली में ही आते हैं, बहुत सारे सीरियल्स। यहाँ देखिए सुगर कैन,
ये स्टीम हो गए। सुगर कैन एंड बॉम्बू टू बिलोंग द ग्रास फैमिली, ये भी बिलोंग करते हैं ग्रास फैमिली से ही। दे आर कॉल्ड गेंट ग्रासेज। वी गेट सुगर फ्रॉम सुगर कैन, इससे हम सुगर कैन से ही हम सुगर प्राप्त करते हैं। चीनी और गुड़ जितना भी बनता है वो सुगर कैन से ही बनता है। बॉम्बू इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक चेयर, बास्केट, मैट, शर्ट एंड स्ट्राइ, हार्ट एंड ब्रूम। बॉम्बू शूट आर इटन बिकॉज ऑफ देयर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनका बहुत ही इनमें पोषक तत्व होते हैं जिसको हम खाते भी, इनके फूल को हम खाते भी हैं। दे आर रिच इन विटामिन, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन, सेलुलस एंड अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इतना आप लोग समझ रहे हैं कि बॉम्बू में क्या क्या पाए जाते हैं और शुगर कैन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। दे आर रिच विटामिन, सेलुलस एंड अमीनो एसिड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये कई जगह में पाए जाते हैं भारत में, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट मेनी टेस्टी डिशेज। नॉर्थ ईस्ट में बहुत तरह के डिशेज भी इनसे बनाए जाते हैं। फ्रॉम बॉम्बू सोर्स आर प्रिपेयर एंड सर्व, ये तैयार किए जाते हैं और सर्व किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, लेट अस नो, पेपर वॉज फर्स्ट मेड फ्रॉम ए ग्रास कॉल्ड पेपिरस, पहले बना फर्स्ट मेड फ्रॉम ग्रास कॉल्ड पेपरस इन इजिप्ट। वेरियस काइंड्स तरह तरह के प्रकार के ग्रास आर नाउ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, तरह तरह के पेपर इससे बनाए गए। सम प्लांट, तीसरा पॉइंट देखिए, सम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, इससे मेडिसिन भी तैयार किए जाते हैं ग्रास फैमिली प्लांट्स से। ग्रास ब्यूटीफाइज दैट लैंडस्केप, इट फॉर्म अट्रैक्टिव सरफेस फॉर लॉन्स, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। इसको अच्छे से कटिंग, सुंदर ढंग से कटिंग करके और लॉन्स और लॉन्स में, पार्क और प्लेग्राउंड में भी इसको सजा के करते हैं ग्रास को, जिससे कि यहाँ बच्चे खेलते हैं, प्लेग्राउंड वगैरह, ये सब समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए, ड्राइड ग्रास इज यूज ए पैकिंग मटेरियल्स, और जब ग्रास सूख जाते हैं, जो घास सूख जाते हैं उसे हम क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल, जो मटेरियल को हम पैक करते हैं उसमें अंदर डालकर इसको पैक करते हैं, जिससे उसे के बर्तन होते हैं, जितने भी ग्लास के बर्तन होते हैं उसमें डालकर इसे किया जा सकता है। The root of the plants of the grass family help the conserve soil. इसके रूट जो होते हैं, कंजर्व मीन्स संरक्षित, मिट्टी को भी ये संरक्षित करते हैं। Many different kinds of grass eating animals live on grass. Grass eating animal, उसमें बहुत तरह तरह के उसमें ग्रास में रहते हैं, जीवन उनका होता है। Let us now plants that trap एंड इट इंसेक्ट, ये कैसे करते हैं इट इंसेक्ट। मोस्ट प्लांट गेट देयर नाइट्रेट साल्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ग्राउंड, बट दे मर्सी और स्वैम्पी प्लेस, ये मर्सी और स्वैम्पी प्लेस जो जहाँ की चिपचिपा मिट्टी होता है, दिस इज नॉट मच नाइट्रेट, मच नाइट्रेट, सो द प्लांट्स ट्रैप द डाइजेस्ट इंसेक्ट टू गेट साल्ट दे नीड, इन्हें साल्ट की बहुत आवश्यकता होती है। और ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके और खाते हैं, साल्ट दे नीड। सच प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कैच देयर फूड इन डिफरेंट वे, ये तरह तरह से अपना फूड को कैच करके खाते हैं। इन द वेनस फ्लाई ट्रैप, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। द लीव्स वर्क एज ट्रैप, इन द सेंटर ऑफ ईच हाफ ऑफ द लीव देयर आर सेंसिटिव हेयर, इसके बहुत ही
सेंसिटिव हेयर होते हैं देयर लीव्स क्लोज इमीडिएटली। और लीव्स क्या करते हैं, वो निकले हुए हेयर होते हैं, यहाँ देखिए वेनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें हेयर निकले हुए हैं और इस पर ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, और इंसेक्ट क्या करते हैं उस पर बैठते हैं और ये खुद अपने आप में कैप्चर करके उसको लिप्स को बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। उसी में जब तक इंसेक्ट मर नहीं जाता, उनकी डेथ नहीं हो जाती, ये खा नहीं लेते, तब तक ये लिप्स खोलते नहीं हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। आप देखिए पिचर प्लांट्स, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, यहाँ देखिए इनके मुँह खुले हुए हैं और ये यहाँ कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जिससे पौधे ये इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद ये खा जाते हैं। द एंड ऑफ पेटियोल मॉडिफाइड इनटू द पिचर, द लीड ऑफ द पिचर फॉर्मेड बाय द लैमिना बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डाउनवर्ड पॉइंटिंग स्मूथ हेयर, छोटे छोटे हेयर निकलते हैं चिकने चिकने, और इसमें इंसेक्ट स्लिप डाउन, इसमें इंसेक्ट क्या करता है पिचर प्लांट में स्लिप कर जाता है, स्लिप डाउन एंड द ट्रैप इन द पिचर, और इसको ये क्या करता है बंद कर, द डाइजेस्टिव जूस एक्सक्रेटेड इन द पिचर स्लोली डाइजेस्ट द इंसेक्ट, डाइजेस्टिव जूस बना के वो प्लांट्स को स्लोली डाइजेस्ट कर जाता है। इन द सन ड्यू प्लांट्स, ये भी यहाँ देखिए सन ड्यू प्लांट्स, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, देर आर स्टिकी हेयर, इसके चिपचिपे हेयर होते हैं ऑन द लिप्स, इनके लिप्स कहते हैं हेयर ट्रैप इंसेक्ट, ये लिप्स पे बैठते हैं इंसेक्ट और इसे क्या करते हैं ये ट्रैप करते हैं एंड कवर देम विद द डाइजेस्टिव फ्लूइड, और ये कवर करके डाइजेस्टिव फ्लूइड करते हैं। लुक एट हियर नॉन ग्रीन प्लांट्स, इसमें आप देखिए जो हरे नहीं होते ये प्लांट हरे, ये सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन एंड गेट देयर नरिशमेंट, यहाँ रहते हैं प्लांट रहता है और जिसे पोषक तत्व ये प्राप्त है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ये मरे हुए सड़े हुए चीज पर बैठ के और ये ऑर्गेनिज्म पर बैठ के ये अपना नरिशमेंट करते हैं, मतलब कि अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और डेकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, डेकिंग यानी सड़े हुए गले हुए चीज पर, सेप्रोफाइट्स रिसाइकल ऑर्गेनिक मटेरियल द सॉइल ब्रेकिंग डाउन इनटू द सिंपल कंपाउंड्स दैट कैन दे टेक इन अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ब्रेड मड मशरूम इटीसी, ये सब क्या है, ये सड़े हुए गोबर पे मशरूम होते हैं, यहाँ देखिए सेप्रोफाइट्स में ब्रेड मड मशरूम, ब्रेड जब सड़ जाता है उसमें ये होते हैं कीड़े मशरूम, सेप्रोफाइट्स रिफ्लेसिया पारासाइट। अब देखिए यहाँ पारासाइट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ये है प्लांट्स है पारासाइट, द पारासाइट प्लांट इज प्लांट दैट डिराइव सम ऑल द इट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स, ये दूसरे लिविंग प्लांट्स से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोडर रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया इज लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व का बहुत बड़ा फ्लावर है रेफ्लेसिया, जो कि दूसरे प्लांट से ही अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है। यहाँ देखिए कीवर्ड्स हैबिटेट, द नेचुरल प्लेस वेयर प्लांट्स लिव, ये प्रकृति का वास है जहाँ की प्लांट्स लिव करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, ये लैंड पे डिपेंड कर प्लांट्स उगते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स ये वाटर में होते हैं, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सेप्रोफाइटिक प्लांट नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सड़े गले चीज़ों पे ये होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट प्लांट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स सक फूड फ्रॉम देम, ये दूसरे से अपना भोजन तैयार करते हैं, मेसोफाइटस प्लांट ग्रो सराउंडिंग रिसीविंग इन एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर, जीरोफाइटस प्लांट दैट ग्रो अंडर वेरी ड्राई और डिजर्ट कंडीशन, डिजर्ट कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं, हाइड्रोफाइटस प्लांट दैट ग्रो आइदर पार्टली टू टोटली सबमर्ज इन वाटर, ये वाटर में सबमर्ज करते हैं। आज बस इतना वीडियो, और आप लोग इसको पूरी तरह से समझ चुके होंगे। ओके okay.